नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं ईशानी। जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की नुकसान हुई खेती। प्रयाग संगम सेवा संस्थान की टीम वहां पर एकत्रित हुई और लोगों की परेशानियां सुनी और ग्रामीणों की व्यवस्था करने में सहयोग कर रही है। लालापुर प्रयागराज यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर से क्षेत्र के ग्रामीण परेशानी में नजर आ रहे हैं। प्रशासन तटीय कई क्षेत्रों में दौरा मारा और एक सिपाही वहीं रोक दिया, साथ ही राजस्व विभाग की टीम को लगा दिया गया। काशी बगीचा के पास कनपुरा में लोगों की फसल धान की खेती खराब हुई। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता चला आ रहा है, कम से कम 3 से 4 मीटर एक दिनों में बढ़ रही यमुना। ग्रामीणों को बहुत मुसीबत उठानी पड़ रही है और ग्रामीणों ने पुल बनने के बाद मांग की है कि गांव में यमुना नदी तेजी से बढ़ रही है। प्रता, पापू पांडुआ, सेमरी, अमलिया, मेहरा, मजियारी, पंचवर, नगरवार, इससे प्रतीत होता रहा है कि जबरदस्त बाढ़ आने की संभावना है। वहीं पे राजस्व विभाग के कर्मचारी मिथिलेश मिश्रा, साथी पत्रकार आलोक शुक्ला और समर्थक रीता पासवान और प्रयाग संगम सेवा संस्थान की टीम भी मौजूद रही। वहां पर अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा, उपाध्यक्ष रामजी त्रिपाठी, महामंत्री रावेंद्र तिवारी, सचिव अजीत त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष योगेश यादव, भटपुरा लालापुर प्रयागराज की खास खबर।